दिल्ली में 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे समेत सभी नेता पहुंचे। इस बैठक में मौजूद नेताओं ने राहुल गांधी को सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुना। लखनऊ में सपा मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना गया। अब अखिलेश यादव को करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। अमेठी में संग्रामपुर के क्षेत्राधिकारी ललन सिंह और मुसाफिरखाना के क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सिंह ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त किया और चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु एवं वाहनों की चेकिंग की। अमेठी में जिलाधिकारी निशानंद ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए और सभी चिकित्सकों को तैनाती स्थल पर ही निवास करने के निर्देश दिए। अमेठी में पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार को प्रमोशन स्टार लगाकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अमेठी में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के सभी थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अपने अपने थाना के क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए मातृत्व को निर्देशित किया। अमेठी में मोहनगंज थाना की महिला पुलिस टीम ने पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाते हुए एक वैवाहिक जोड़े को एक साथ रहने के लिए राजी किया। अयोध्या में भाजपा की हार और इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद सिंह की जीत पर समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद राम आजोर यादव ने बधाई देते हुए अयोध्या वासियों के ऊपर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। अयोध्या में लक्ष्मण घाट वार्ड के पार्षद महेंद्र शुक्ला ने महापौर गिरीश पति त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके वार्ड की जल समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जल निगम के लिए संसाधन नहीं दिया जा रहा है, जबकि टैक्स पूरे लिए जा रहे हैं। रामपुर में पुलिस अधीक्षक ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना खुजरिया के अर्दली रूम में थाना प्रभारी विवेचकों को मीटिंग में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर बिलासपुर के क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। बहराइच में पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा ने थाना कोतवाली नगर में विवेचकों के साथ अर्दली रूम पर बैठक की, जिसमें अपराध नियंत्रण और महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।